Good morning, friends. Open your English composition book and go on page number 5. Dear friends, we have several family members at our home. We have mother, father, grandmother, grandfather, brother, sister. But in these family members, we like our mother very much. हमारे घर पे जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उसमें हमें सबसे ज़्यादा अगर कौन पसंद होता है तो होती है हमारी मम्मी, मदर. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी एन एसे ऑन माय मदर. ओके, सो लुक हियर एंड लिसन केयरफुली. माय मदर नेम इज गीता. यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए एक नाम लिखा है, आपको यहाँ पर अपने मम्मी का नाम ऐड करना है. माय मदर नेम इज गीता, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. मेरे मम्मी का नाम गीता है और वह बहुत ही हार्ड वर्किंग है. आई लव फूड दैट शी कुक्स. जो मम्मी घर पे खाना पकाती है, जो अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स बनाती है, रेसिपीज बनाती है, वो मुझे बहुत ही पसंद है. शी कीप्स द हाउस नीट एंड क्लीन. हमारा घर साफ सुथरा रखने का, स्वच्छ रखने का काम हमारी मम्मी करती है. माई मदर हेल्प्स मी विथ माई स्टडीज एंड होमवर्क. जब आप घर पे होते हो तो उस वक्त स्कूल में तो टीचर सिखाते हैं, लेकिन आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो कौन करवा के लेता है आपसे? आपकी मम्मी. सो माई मदर हेल्प्स मी विथ माई स्टडीज एंड होमवर्क. मेरी मम्मी मुझे होमवर्क करने में, पढ़ाई करने में हेल्प करती है, मदद करती है. शी टीचेस मी हाउ टू बिहेव. और मुझे किस तरह से बिहेवियर रखना है यह कौन सिखाता है? मम्मी. किस तरह से रहना है, सच बोलना है, सुबह जल्दी उठना है, ऐसी जो अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें, संस्कार सिखाने का काम कौन करती है? मम्मी. एवरी मॉर्निंग वी प्रे टुगेदर. हर सुबह हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, मम्मी और मैं. इफ़ आई डू रॉन्ग शी करेक्ट्स मी. जब मैं कोई गलती करता हूँ तो सुधार देती है, मुझे अच्छा बताती है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए. इस तरह की जो अच्छी बातें हैं वो मम्मी बताती है. देन आई टेल हर आई एम सॉरी. और जब मम्मी ऐसा बताती है तो मैं उसे कहता हूँ, सॉरी मम्मी, आगे से ऐसा नहीं करूँगा. आई लव टू गो शॉपिंग विथ मदर. मुझे मम्मी के साथ खरीदी पर जाना बहुत अच्छा लगता है, शॉपिंग के लिए. आई हेल्प हर कैरी द बैग्स. मैं मम्मी को बैग्स उठाने के लिए, कैरी करने के लिए मदद करता हूँ. एट नाइट मदर टक्स मी इन टू बेड. जब रात होती है तो सोने के लिए मम्मी मुझे बेड पर सुलाती है. एंड किसेस मी गुड नाइट, और गुड नाइट कहती है. आई लव माई मदर वेरी मच. और मुझे मेरी मम्मी बहुत ही पसंद है. ये एक एग्जाम्पल के लिए ऐसे है, आपको एग्ज़ाम में आएगा. सो आपको यह लर्न करना पड़ेगा. यहाँ पर शुरू में जहाँ पर मैंने गीता ऐड किया है वहाँ पर आपको आपकी मम्मी का नाम लिखना है, और अच्छी हैंडराइटिंग में आपको ये आपके नोटबुक में लिखना है. ओके, थैंक यू.